हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज मैं लेकर आई हूं, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया है, आज मैं लेकर आई हूं पतंजलि के 5 बेस्ट प्रोडक्ट, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के, बट उनमें से कुछ 5 जो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे प्रोडक्ट है, जो मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ और उसे कंज्यूम करती हूँ, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं, तो वो है पतंजलि का एलोवेरा जूस, जो कि है फाइबर युक्त है ये, और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। मॉर्निंग में मैं इसे एवरी डे लेती हूँ और इसके साथ में लेती हूँ, ये नंबर 1 है, जो कि एलोवेरा आप लोगों को पता है एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेयर के लिए, हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है जब हम एलोवेरा कंज्यूम करते हैं एलोवेरा जूस। तो ऑब्वियसली पतंजलि का एलोवेरा जूस मुझे सबसे बेस्ट लगता है मॉर्निंग में, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही पीते हैं गर्म पानी के साथ में। मैं इसके साथ में ऐड करती हूँ आंवला, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है पतंजलि का आंवला जूस, सो मैं इसे भी लेती हूँ। इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ, 1-1 टेबल स्पून लेती हूँ, और लूप वार्म वाटर में 1 टेबल स्पून ये वाली एलोवेरा जूस और ये वाली आंवला जूस और 1 टेबल स्पून वाटर लेती हूँ, और उसे अच्छे से लूप वार्म वाटर लेती हूँ, उसे अच्छे से मिक्स करके फिर उसमें मॉर्निंग में ही हम पीते हैं और खाली पेट पीते हैं। जैसे ही सुबह बेड पे से सो के उठती हूँ तो इन दोनों को मैं ले लेती हूँ, तो ये सबसे बेस्ट है। एम्प्टी स्टमक लेती हूँ मॉर्निंग में, तो इसे हमारे स्किन, आंवला के भी आप लोगों को गुण पता है, जिसे हमारे स्किन और हमारे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, हमारे आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है आंवला जूस। तो मैं इन दोनों प्रोडक्ट को 10 out of 10 देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और एवरी डे गाइज आप लोगों को भी लेना चाहिए, जैसे कि आंवला एंड पतंजलि का एलोवेरा जूस। तो इसके बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को भी पता है। एंड यस, मैं पतंजलि का ही क्यों लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, इसका जो फ्लेवर है ना, काफी हद तक मुझे पसंद है, और बाकी के ब्रांड्स मैंने कभी यूज नहीं किए गाइज। मैंने सबसे पहले पतंजलि ही लिया और मैंने पहली बार पतंजलि से ही स्टार्ट किया है, तो काफी दिनों से इसे पी रही हूँ, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये मॉर्निंग में कैसे होता है ना, पेट साफ करने के लिए भी बड़ा अच्छा काम करता है, तो ये मेरा एक सबसे बेस्ट रीजन है कि मैं ये लेती हूँ और मेरे हस्बैंड भी लेते हैं, तो हम दोनों ही ये एलोवेरा जूस और आंवला जूस हम लोग मॉर्निंग में पीते हैं। तो ये था, ये 2 प्रोडक्ट्स थे जो कि पतंजलि की तरफ से मुझे सबसे बेस्ट लगे। आजकल आपने गाइज देखा है कि मैं एक वीडियो बनाई है, और उस वीडियो को आप जरूर चेक कर लेना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा ना तो प्लीज उसे चेक जरूर करना। तो मैंने अपने बालों को कलर करना स्टार्ट किया, तो पहली बार मैंने पतंजलि का ही प्रोडक्ट लिया, और फर्स्ट टाइम मैंने इनके प्रोडक्ट से, पतंजलि का ही प्रोडक्ट से अपने बालों को कलर किया। मैंने अपने बालों को फर्स्ट टाइम कलर किया वो भी पतंजलि के हेयर कलर से, अदरवाइज मैंने कभी आज तक अपने बालों को कोई भी कलर नहीं किया था, और वो पहली बार मैंने YouTube पे अपलोड भी किया है, वो वाली वीडियो आप जरूर चेक करिए। एंड यस, ये है वो प्रोडक्ट जिससे मैंने अपने बालों को कलर किया। तो मैं कुछ लेकर आई, ब्लैक कलर, यहाँ पे ब्राउन कलर है, और एक और कलर जो मैंने किया है बर्गंडी कलर, तो वो वाली भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगी, तो वो वाली वीडियो भी आप जरूर चेक करिए। तो गाइज, ये सारी प्रोडक्ट्स है ना, आपने फर्स्ट देखी जो कि है एलोवेरा जूस मॉर्निंग में लेती हूँ आंवला जूस के साथ में, और 20 रुपीज में आप क्या ले सकते हैं, 20 रुपीज में बहुत ही अच्छा हेयर कलर आपको मिल जाता है, ये सारे नेचुरल तत्वों से बना हुआ है, इनकी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही नेचुरली है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नेचुरल चीजों में मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, फोकस करती हूँ, तो ऐसा कुछ है मेरा, और केमिकल वाली चीजों को इतना ये नहीं करती, बट येस नेचुरली जो भी चीजें होती है ना वो मुझे अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, तो ऑब्वियसली, और मैं इसलिए ये वाली, ये हो गया ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो ये हो गया। और बहुत ही अच्छे आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पतंजलि का कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन ऑयल है, ये है 4 नंबर, और मैं इसे यूज करती हूँ एवरी डे। अगर आपके वेट लॉस अगर आपको करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि वेट लॉस करूँ मैं, आपसे हो नहीं पा रहा है, तो आप एवरी नाइट, तो ये नाइट टाइम पे जब भी मैं सोने जाती हूँ तो लुक वार्म करती हूँ, और यहाँ पे 7 ml तक का, मतलब मीन्स 1 tablespoon इस ऑयल को मैं कंज्यूम करती हूँ, और रात को सो जाती हूँ आराम से। तो ये काफी अच्छा है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। बहुत सारी DIY भी मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वर्जिन कोकोनट ऑयल से बनाने के लिए, बहुत ही बेस्ट है, हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इस ऑयल को, ये एक्चुअली एडिबल ऑयल भी है, तो आप इसे कुकिंग के लिए, सलाद वगैरह बनाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है गाइज, आप जरूर चेक करिए,
और ये हो गया मेरा फोर्थ नंबर। और इसके बाद जो है कि पतंजलि का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए गाइस, क्योंकि समटाइम्स मुझे कफ कोल्ड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी मम्मा ने पर्सनली मुझे कहा था कि बिंदु तुम ले लो ये वाली पतंजलि की रोगन बादाम तेल, और मैं इसे अपने बच्चों को मिल्क जब वो पीते हैं तो मैं थोड़ा सा दो तीन बूंद उसमें डाल के पतंजलि की ये जो रोगन बादाम ऑयल है मैं उसमें बच्चों को देती हूँ अपने, बहुत ही बेस्ट है और हमेशा हमारे घर में होती है। ये छोटी बॉटल है, इससे भी बड़ी बॉटल भी आती है गाइस, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास बड़ी बॉटल भी है छोटी बॉटल भी, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए छोटी बॉटल लेकर आई, और ये बहुत बेस्ट है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, रात को जब सोने जाती हूँ तो अपने नाक में दो ड्रॉप वन ड्रॉप अपने नोज में डालती हूँ, तो इससे कैसे है ना जो दिमाग में मेरे बहुत सारी ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी मुझे बोलती है कि जब सर में बहुत सारे कचरा वगैरह हो जाता है ना तो वो निकल जाता है, तो ये एक्चुअली वही काम करता है। और मैं इसे अपने नाक में भी डालती हूँ रात को सोते समय, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फर्क बहुत ज्यादा पड़ा है। क्योंकि बोलते हैं ना साइनस की प्रॉब्लम, नोज जब हमारे बंद हो जाते हैं मतलब ऐसे नाक से सांस नहीं ले पाते ना, लाइक वैसा वाला कुछ प्रॉब्लम होता था मुझे, तो मैंने ये नाक पे अपने डालना स्टार्ट किया। तो गाइज आप कंसल्ट करना डॉक्टर से, मेरे बोलने पे ये सारी चीजें नहीं करना, क्योंकि मैं ये करती हूँ, आप अपने डॉक्टर से पूछ के ये सारी चीजें करना, बड़ी बहुत ही अच्छा है। और मैं अपने बच्चों के मिल्क में देती हूँ और नोज में मैं खुद ही से अप्लाई करती हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट है इसमें से। और बहुत मुझे ना एक्चुअली पतंजलि के थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट है, इसलिए मैं ये बादाम का तेल इसी प्रोडक्ट मतलब पतंजलि का ही यूज करती हूँ, बाकी का कोई भी यूज नहीं करती हूँ मैं। आज तक नहीं यूज किया और जब से पतंजलि है तब से मैं यही यूज करी। इसके पहले भी एक बादाम तेल था वो तो मेरे डैडी लेकर आते थे कुछ, बट लेकिन ये वाली जो है ना ये मैं हमेशा यूज करती हूँ, तो एवरीडे मैं अपने नाक में नहीं डालती हूँ बट एक एक दिन का गैप देके इसे डालती हूँ, तो काफी अच्छा होता है। साइनस का प्रॉब्लम जिसे है तो फिर वो यूज कर सकते हैं, बट आप डॉक्टर से कंसल्ट करना, मेरे बोलने पे बिल्कुल नहीं जाना। बट ये मेरे फेवरेट 5 प्रोडक्ट्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये सारी चीजें करना फ्री होता है, सब्सक्राइब करना फ्री होता है, लाइक करना फ्री होता है, शेयर भी कर दीजिए ये भी फ्री होता है, कुछ पैसे नहीं लगते इसके अंदर। तो चलिए गाइस, और आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नए वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है च्यवनप्राश पतंजलि का कोकोनट, ये है पतंजलि, ये आंवला और ये एलोवेरा जूस है, ये हनी है, ये रोगन बादाम है, ये गुलाब जल है, और अब मैं लेकर आई हूँ नेचुरल हर्बल जो केश कांति हर्बल मेहंदी है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मेरे सबसे फेवरेट है, और बट 5 बताना था इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया, बट बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स है जो मैं यूज करती हूँ गाइस।